गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट हिंदी, 3 अगस्त 2020 क्लास वर्क। आज का क्लास वर्क है 7 नंबर चैप्टर, गांधी जी और दादू। कृपया पृष्ठ के एक और ही लिखिए। ये वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। परीक्षा में परीक्षार्थियों को दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पर भी ये पंक्ति लिखी होती है। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है, कृपया कोई भी आवेदन कागज के एक और ही लिख कर दो। जो पहले से मुद्रित आवेदन पत्र या फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं, वे कागज़ के एक और ही मुद्रित होते हैं। उनका पृष्ठ भाग खाली रखा गया होता है। ऐसा करना सुविधाजनक भले ही हो, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। जो काम किसी एक कागज़ के दोनों हिस्सों से लिया जा सकता है, उसके लिए दो अलग अलग कागज़ खर्च होते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कागज़ों का निर्माण करने के लिए अधिक पेड़ कटने पड़ रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। महात्मा गांधी पर्यावरण के प्रति उतने ही सचेत थे जितने देश की आज़ादी के प्रति। गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आदि आते थे, वे उनके लिफाफे तक को लिखने के काम में ले लेते थे। स्थाई महत्व का न होने पर पत्र के खाली स्थान को भी लिखने के काम में ले लेते थे। नेक्स्ट पेज में देखिए, यदि पत्र में एक ही तरफ लिखा गया हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम आता ही था। गांधी जी हर संभव उपाय से पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। एक बार उनके मन में दातुन के एक से अधिक उपयोगों के बारे में विचार उठा। तब वो इंदौर में थे। उन्होंने उसी दिन से दातुन का उपयोग एक से अधिक कामों में करना आरंभ कर दिया। मगनवाड़ी लौटने के बाद पहली शाम के प्रवचन में आश्रम वासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। उन्हें ईंधन के लिए जंगलों में लकड़ी काटनी पड़ती है। ये उनकी व्यवस्था है। ईंधन का कोई और साधन उनके पास नहीं है। इसी के साथ साथ उन्हें हम शहरी लोगों की ज़रूरत के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी रुके। दातुन को बहुत उपयोगी बनाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत माँजने के लिए जो दातुन इस्तेमाल में लाते हैं, उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। यदि हम ऐसा ना करें तो हमारी ईंधन के लिए कम पेड़ काटेंगे। हम दातुन करने के बाद उसे साफ करके सुखा ले। जब वे अच्छी तरह सूख जाए तब उससे ईंधन का काम ले। ठीक है, थैंक यू।